से इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और -2-9 से समदूरस्थ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे कि दो अलग अलग बिंदुओं बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है और वो है हमारा, इसको समझिए इस क्वेश्चन को। ये पहला जो बिंदु है इसको हम लोग नाम देते हैं ए और जिसका कोऑर्डिनेट 2 और 5 है और 5 2 और 5 इस बिंदु का कोऑर्डिनेट है और इस बिंदु का कोऑर्डिनेट है -2 और 9। अब कह रहा है कि कोई एक और बिंदु है और वो कहाँ पे है, ये मान लिया हम इसको नाम दे देते हैं ये बिंदु को सी। ठीक है, तो समझाने के लिए हम ऐसा बता रहे हैं कि ये अलग अलग ये दो बिंदु का कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है और ये सी बिंदु और वो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि कहाँ पे है, वो एक्स एक्सिस पर है। और जैसे ही कोई बिंदु एक्स एक्सिस पर रहे तो आपसे हमारा प्रश्न है कि आप ये बताइए कि क्या उस बिंदु का कोऑर्डिनेट हम बता सकते हैं, और इसके बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ। लेकिन एक चीज़ आप देखेंगे कि हम लोग पिछली क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट को डेवलप किए थे कि अगर किसी बिंदु का कोई कोऑर्डिनेट का मान अगर 0 है तो उसको हम क्या समझेंगे, और यहाँ पे क्या कह रहा है। एक बार फिर से हम वो पुरानी बातें याद करें कि ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस, ये ऐसा है। और हम क्या देख रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर कोई बिंदु, यानी कि ये एक्स एक्सिस पे कोई बिंदु है, चाहे यहाँ पे हो यहाँ पे हो, तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट को डेवलप किए थे कि अगर कोई बिंदु एक्स कोऑर्डिनेट पे होगा तो उसका एक कोऑर्डिनेट का मान हर हाल में 0 होगा। अब बताइए कि वो कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, तो हम लोग याद किए थे कि वो वाई कोऑर्डिनेट का मान 0 होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे इस बिंदु का एक्स कोऑर्डिनेट का मान हमको मालूम नहीं, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट हम निश्चित पूर्वक कह सकते हैं कि इसका मान क्या होगा, वो 0 होगा। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और -2-9 से समदूरस्थ है। अच्छा, अब यहाँ पे हमको ये नहीं मालूम क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या है, तो हम लोग इसको एक्स मानकर चलते हैं। ये फिगर हमको लग रहा है कि समझ में है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो बिंदु है एक्स एक्सिस पर ए से सी की दूरी जो भी होगी और बी से सी की दूरी वो आपस में बराबर है। अगर हम इसको मिला दें ऐसा थोड़ा लेने में हम लोग बराबर दूरी लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसको थोड़ा सा दिखने से भी लगे कि ये दूरी बराबर है, इसलिए थोड़ा सा हम इसको अभी इसको समझें। अब यहाँ पे क्लियर हो गया कि सी बिंदु का कोऑर्डिनेट हमारा एक्स 0 और कह क्या रहा है क्वेश्चन कि इस समान दूरी पर है, समदूरस्थ है, यानी ए से सी की दूरी और फिर बी से सी की दूरी वो बराबर है। तो हम यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट पे जा सकते हैं कि हर हाल में चूंकि समदूरस्थ है तो ये ए सी बराबर क्या होगा, बी सी होगा, क्योंकि वो समान दूरी। अब यहाँ पे ए और सी के बीच की दूरी अगर हम ज्ञात करें तो फिर हमको दूरी सूत्र फॉर्मूला वही x2-x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2-y1 का होल स्क्वायर और फिर इक्वल टू बी सी। ये फार्मूला हम लोग फिर x2-x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2-y1 का होल स्क्वायर। अब अगर हम a और c के बीच की दूरी को ज्ञात करें तो हम ये हमारा x1 y1 और दूसरी बिंदु जो c है इसको हम लोग x2 और y2 मानते हैं। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इस बिंदु का एन सी बिंदु का ये कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है,
और तब हम क्या करेंगे, इसको x2 के बदले में जो हमारा कोऑर्डिनेट यहाँ दिखा रहे हैं हम वो लिखते हैं ये x और फिर ये माइनस। अब x1 x1 मान ये हमारा दो, तो x माइनस टू का होल स्क्वायर और फिर प्लस y2। अब देख रहे हैं कि सी बिंदु का कॉर्डिनेट y कोऑर्डिनेट यानी कि जो y2 है हमारा वो क्या है, ज़ीरो और फिर माइनस फाइव, ज़ीरो माइनस फाइव का होल स्क्वायर। अब आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, x माइनस टू अगर हम सॉल्व करें तो हम पाएंगे कि ये अगर तभी सॉल्व कर सकते हैं जब फार्मूला को यूज़ करें, तो x माइनस टू का होल स्क्वायर आपका तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स ए स्क्वायर माइनस टू फार्मूला का और फिर ये x और b के जगह पे आपका ये 2 और फिर प्लस ये 2 स्क्वायर और फिर प्लस 0 माइनस 5 और ये आपका माइनस 5 का ये स्क्वायर। अब इस तरफ अगर हम इसको सॉल्व करें, अच्छा यहाँ पे लेके चलें इसको और फिर अब ये देखिए कि b और c ये भी बराबर दूरी और फिर हमको इसके बीच की दूरी अगर ज्ञात करना है तो फिर x2 माइनस x1, तो x2 की जगह पे हमारा ये x और माइनस x1, तो आप यहाँ पे x2 माइनस x1 और हम देख रहे हैं कि x1 कोऑर्डिनेट का मान माइनस है इसलिए हम इसको यहीं पे डायरेक्ट कर दें तो हमारा टाइम बचेगा और ये प्लस y2 माइनस y1। अब फिर y2 आपका क्या है, ज़ीरो और फिर माइनस y1 और वो नाइन ये ऑल स्क्वायर। इसके इसको भी हम लोग आगे बढ़ा देते हैं, फिर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये स्क्वायर छूट गया हमारा x प्लस टू का होल स्क्वायर। फिर अगर सॉल्व करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस फार्मूला का टू और a यानी कि x और फिर b 2 और फिर प्लस टू स्क्वायर और 0 माइनस नाइन ये आपका माइनस नाइन ए स्क्वायर। अब आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस दो दिनी चार ये चार एक्स और फिर प्लस दो दिनी चार और अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस फाइव का स्क्वायर है इसलिए ये पच्चीस और फिर इस तरह ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस दो दिनी चार एक्स और फिर प्लस दो दिनी चार और नौ नवा ये इक्यासी ये मान आया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस फोर एक्स और इन दोनों ये दोनों संख्या आपस में इसको आप जोड़ दीजिए और 25 और 4 ये 29 और उसी तरह से अंडर रूट ये एक्स स्क्वायर और प्लस 4x और इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ें 4 और 4 और 1 5 और 8 ये 85। अब क्या देख रहे हैं कि हमारा दो इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस ट्वेंटी नाइन और फिर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस एट्टी फाइव आया है। अब इसको हम दूसरी तरफ लिखते हैं, यहाँ पे इक्वेशन को अगर हम देखें तो थोड़ा सा इसको हम ये कर सकते हैं कि इस इक्वेशन और ये इक्वेशन हमारा पैरेलल चल रहा है और दोनों पे हमारा रूट है और यहाँ पे हम लोग इस रूट को कैंसिल कर सकते हैं, ये रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा तो फिर हमारा बचेगा क्या, ये एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स
और प्लस 29 और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 85। अब यहाँ पे फिर क्या देख रहे हैं कि बराबर कि दोनों तरफ ये टर्म एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यह हमारा सेम है, इसलिए इसको भी हम लोग कैंसिल करते हैं। अब यहाँ माइनस 4x इस इक्वेशन में और दूसरी तरफ प्लस 4x, अगर इसको इधर लेके आए हैं हमारा तो ये माइनस 4x और ये 85 प्लस में, और इसको अगर उधर लेके जाए ये माइनस 29। अब इसको सॉल्व करें, माइनस 4x और माइनस 4x ये माइनस 8x के बराबर, और इसको 9, 6, 15, 2, 1, 3 और ये 56। अब हम क्या देख रहे हैं कि माइनस 8x इक्वल टू, और हम इसको ऐसा कर सकते हैं ये 8x बराबर यानी कि 56 ये माइनस, क्योंकि जिसका वैल्यू हम निकाल रहे हैं उसको आमतौर पर हम पॉजिटिव लेकर चलते हैं, इसलिए ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए कहने का मतलब है कि आप माइनस का कॉमन डायरेक्ट ऐसा जो हम कर रहे हैं वो भी लिख सकते हैं, या ये करने के पीछे कारण ये है कि जैसे ये माइनस 8x आपका 56 आया, अब हम अपनी सुविधा अनुसार कॉमन दोनों तरफ लेते हैं कि पहले से ये माइनस 8x और इस तरफ भी, तब माइनस कॉमन इधर भी ले लिए। तो आप क्या देखेंगे जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस, ये प्लस 8x और ये माइनस 56, तो डायरेक्ट आप ऐसा लिख सकते हैं। और इसलिए x बराबर ये माइनस 56 और बटे 8 और 8 सत्ते 56, और x का मान हमारा क्या निकल कर आया, माइनस 7। तो जो क्वेश्चन कह रहा था हम लोगों से कि x अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात करें, तो यहाँ पे हम लोग ज्ञात किए कि इस सी बिंदु का कोऑर्डिनेट हमारा क्या निकला, x कोऑर्डिनेट का मान माइनस 7। तो हम लोग तो आंसर के रूप में इसको ऐसे लिखेंगे सी, यानी कि ये माइनस 7 और फिर ये 0, यानी कि वो बिंदु जो x एक्सिस पर स्थित है उस बिंदु का कोऑर्डिनेट माइनस 7 और 0 निकला, और यही हमारा आंसर आया। अब इस क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन मतलब हमारा पूछा जा सकता है, वो कैसे कि हमको फिर इसी तरह से दो अलग अलग बिंदु दे दे और वो ये कहे कि ये जो बिंदु है और ये बिंदु ए और बी से समान दूरी पर है। अब यहाँ पे क्या दिया कि ये एक्स एक्सिस पर स्थित है, अगर ये भी पूछा जा सकता था कि दिया जा सकता था कि ये बिंदु एक्स एक्सिस पर नहीं होकर के वाई एक्सिस पर है, और फिर इस बिंदु का आप मान ज्ञात करें, तो फिर फर्क क्या हो जाता कि इसी तरह का फिगर बनाते और फिर यहाँ पे बिंदु को हम ये दिखाते कि इस सी बिंदु का चूंकि वाई एक्सिस पर स्थित है इसलिए इस बिंदु का एक कोऑर्डिनेट का मान हर हाल में 0 होगा, वो फिर कौन होगा, वो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट का मान। तो फिर वहाँ पे बदल जाता कि सी बिंदु का कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाता, 0, और फिर वाई कोऑर्डिनेट को हम वाई लेकर चलते। फिर इसी तरह से इक्वेशन लेकर हम लोग आगे बढ़ते और फिर हम लोग इसके रिजल्ट तक पहुँच पाते। तो ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये रहा थोड़ा क्वेश्चन नंबर 7 जो कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले इसको समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। कह रहे कि y का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2-3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 8 में वो दो बिंदु हमारा दिया हुआ है और वो बिंदु है P और Q। बिंदु ये हमारा P और ये दूसरा बिंदु हमारा ये Q है, और इन बिंदुओं का कोऑर्डिनेट दे रखा है और वो है 2-3 और Q बिंदु का कोऑर्डिनेट और 10y
यानी कि इस बिंदु का एक कोऑर्डिनेट वो मिसिंग है हमारा वाई कोऑर्डिनेट, और वो कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं को अगर हम आपस में जोड़ दें तो एक दूरी होगी और वो दूरी कहलाएगा पी क्यू, पी क्यू। और वो कह रहा है कि इन दूरी का जो मान है वो है 10 मात्रक के बराबर। 10 मात्रक का कहने का मतलब है कि वो 10 सेंटीमीटर हो सकता है, 10 मीटर, और हम इस कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे कि ये 10 मात्रक के बराबर है। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, पी और क्यू का जो भी कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है डिस्टेंस फार्मूला के साथ ऐसे हम उसको लेकर आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे कोई ना कोई इक्वेशन हमारा बनेगा और वो इक्वेशन को बराबर करेंगे। देखिए कैसे करते हैं हम लोग, फिर पी क्यू के बीच की दूरी हम ज्ञात करना चाहते हैं और वो हमारा डिस्टेंस फार्मूला यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का ये होल स्क्वायर और फिर ये बराबर ये हमारा 10 मात्रक। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो भी कोऑर्डिनेट हमको है दिया हुआ ये x2 - x1, तो दूसरा बिंदु q को हम लोग हम x2 और y2 मानते हैं और यहाँ पे x2 हमारा क्या है वो है 10 और -x1 ये आपका 2 और इसका स्क्वायर और प्लस y2 - y1, क्योंकि ये मिसिंग है हमारा इसलिए y के हम लोग y2 की जगह पे y है इसलिए अब यहाँ पे y रखेंगे और फिर -y1 और ये -3 में है तो यहाँ पे हम लोग इसको चेंज कर देते हैं और ये 3 ये स्क्वायर और इक्वल टू ये हमारा 10 मात्रक है। अब आगे इसको हम सॉल्व करते हैं तो 10 - 2 इसके बराबर 8 के बराबर और इसका 8 का स्क्वायर और फिर प्लस y+3। फिर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर दो टर्म आ गया और स्क्वायर है और सॉल्व करने का सीधा तरीका ये फार्मूला पे इसको आप तोड़ दीजिए और वो फार्मूला हमारा है यानी कि a+b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया और फिर क्योंकि प्लस 2a और a के जगह पे आपका y और b के जगह पे आपका 3 और फिर प्लस 3 स्क्वायर। फॉर्मूला पे ही हम इसको तोड़ें, ये 3 ये आपका स्क्वायर और इक्वल टू ये 10 मात्रक के। और आगे बढ़ते हैं, ये आपका 8 स्क्वायर यानी 8 64 और फिर प्लस ये वाई स्क्वायर और प्लस 3 × 6 ये 6y और प्लस 3 स्क्वायर 3 × 9 और ये बराबर किसके ये 10 मात्रक के। और हम लोग इसको आगे लेके बढ़ते हैं और ये वाई स्क्वायर वाला टर्म ऐसा करिए कि यहाँ पर ये संख्या है और यहाँ पर भी ये संख्या, इन दोनों को आपस में लेते आए और यहाँ 64 प्लस और यहाँ पे 9 और जोड़ दीजिए इसको, ये आपका 73 के बराबर और फिर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 6y और ये किसके बराबर ये 10 मात्रक के बराबर, ये इक्वेशन हमारा निकल कर आया। अब हम क्या देख रहे हैं कि चूंकि मान अगर हमको निकालना पड़े तो हर हाल में यहाँ से ये स्क्वायर जो रूट की शक्ल में यहाँ पर है हमारा तो इससे कहीं ना कहीं मुक्ति मिलना चाहिए तभी जाकर हम इक्वेशन जो भी निकलेगा चाहे वो द्विघात सूत्र के रूप में तो हम उसको आगे निकालने में कामयाब रहेंगे। अब इस इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये वाई स्क्वायर और प्लस 6y और प्लस 73 और ये 10। और हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारा एक इक्वेशन किस द्विघात समीकरण के रूप में आ रहा है लेकिन अगर यहाँ से हमारा रूट खत्म हो जाए तो हमारा रूट खत्म हो सकता है। अगर आप ध्यान दें कि इस तरफ का जो इक्वेशन है अगर इसको हम स्क्वायर कर दें और इधर स्क्वायर कर दें
क्योंकि हमारा ये है कॉन्सेप्ट कि प्रॉब्लम को हल करने के लिए किसी भी इक्वेशन में आप किसी संख्या से, समान संख्या से भाग लेफ्ट साइड में, राइट साइड में दे सकते हैं, अगर आवश्यकता पड़ने पर स्क्वायर दोनों तरफ कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर स्क्वायर करें तो कम से कम हमारा ये रूट खत्म हो जाएगा, तो इक्वेशन हमारा सिंपल हो जाएगा और फिर आसानी से हम इक्वेशन का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं या दोनों ओर वर्ग करने पर या स्क्वायर बोथ साइड, तब क्या हो जाएगा, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई और प्लस 73 आर इक्वल टू ये आपका 10, और इसका भी हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं और इसका भी स्क्वायर, और क्या देखेंगे, और हम लोग पहले से कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं कि अगर किसी भी टर्म में, चाहे वो अकेला टर्म रहे या फिर कई टर्म रहे, अगर उसके साथ, चूँकि इस टोटल टर्म्स पे हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर है, और इस टोटल टर्म पे भी हमारा ये पावर रूट की शक्ल में है, और रूट और स्क्वायर अगर एक साथ हो जाए तो हम देखते हैं कि ये दोनों ख़त्म हो जाता है, तो बच जाएगा क्या, वाई स्क्वायर और प्लस सिक्स वाई और प्लस 73, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ये 100 के बराबर। अब हम क्या देख रहे हैं कि अब ये हमारा वाई स्क्वायर, ये प्लस सिक्स वाई 73 और माइनस 100 इक्वल टू 0, ये कंप्लीट हमारा द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। अब ये वाई स्क्वायर, ये आपका 6y और प्लस और माइनस, माइनस हर संख्या दोनों में बड़ी कौन 100, इसलिए चिन्ह इसी का होगा, इसको आप घटा दीजिए, 7 3 10, 7 1 8 2 10 और इक्वल टू ये हमारा 0। अब यहाँ पे हम लोगों को इसका मान निकालने के लिए द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है वो कॉन्सेप्ट हमारा रहना चाहिए। अब यहाँ पे ये जो वाई स्क्वायर के साथ जो संख्या, यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं है तो समझिए कि 1, और फिर ये 27, ये 27 का हम क्या करते हैं, गुणनखंड, तो हम देखेंगे ये निकलेगा 3 3 9 27। अब यहाँ पे इस संख्या को आपस में हम लोग इस ढंग से सेट करते हैं कि ये जो, चाहे वो प्लस करना पड़े माइनस करना पड़े, ये सॉल्व करने के बाद ये हमारा 6y के टर्म में आ जाए। तो यहाँ पे आपको चाहे वो तीन संख्या हो, दो संख्या हो, उसको यहाँ पे आपको ग्रुप बनाना पड़ता है। जैसे ये तीन और तीन को अगर एक साथ लाएं तो क्या हो जाएगा, ये 9 और ये अकेला रह जाएगा, तो हम देख रहे हैं कि दो ग्रुप हमारा बना, ये 9 और 3, और 9 में अगर 3 को अगर घटाएं तो कितने के बराबर होता है, वो 6 के बराबर। और यहाँ पे फिर ये डिसाइड करेगा कि इन दो संख्याओं का जो चिन्ह है वो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे संख्या ये 6y के टर्म में है और इसका साइन जो है वो प्लस में है, इसलिए यहाँ पे ये 9 का जो साइन होगा वो प्लस में होगा और दूसरा ये माइनस में, इसलिए कि जब इसको माइनस करेंगे तभी ये 6y। अगर यहाँ पे अगर 12y रहता तो हम देखते हैं कि 9 और ये 3 ये दोनों प्लस में रहता, तो हम लोग जब द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को भी और ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे। यहाँ पे क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ये वाई स्क्वायर और फिर प्लस ये 9y माइनस 3y और फिर माइनस 27 इक्वल टू 0, ये हमारा फैक्टर के रूप में टूट गया। अब इन दोनों में अगर हम देखें तो कॉमन हमारा क्या आ रहा है, कॉमन y निकल के आ रहा है, और ये हमारा y और प्लस ये 9 और फिर माइनस, इन दोनों में देखें तो हमको पता चलेगा कि कॉमन हमारा निकल के आएगा ये 3 और ये y और ये प्लस ये 9 और इक्वल टू 0, और y माइनस 3 और y प्लस 9 और इक्वल टू 0,
तो y माइनस थ्री अगर ये जीरो के बराबर, तो y का मान हमारा क्या निकलेगा, थ्री, और अगर y प्लस नाइन इक्वल टू जीरो तो y का मान हमारा क्या निकलेगा, ये माइनस ये नाइन। अब यहाँ पे समीकरण हमारा दूसरी फॉर्म में था, अब देखे कि ये द्विघात समीकरण के रूप में आया और इसका मान हम निकाले, क्योंकि द्विघात समीकरण होगा तो हर हाल में उसका मान दो मान आएगा, और हम देख रहे हैं कि इस y का दो मान आया है, एक थ्री और दूसरा माइनस नाइन। और आप देखेंगे कि इसलिए मान अलग अलग आया है कि अगर ये बिंदु किसी दूसरे क्वाड्रेंट में ही हो सकता है, कहने का मतलब है यहाँ पे इसको समझिए, ये जैसे एक मान आपका 10 ऑलरेडी दिया हुआ है और दूसरा मान अगर आप 3 को लेकर चलते हैं, 10 और ये 3, और दूसरा मान हमारा y का मान क्या आ रहा है, माइनस नाइन, तो इसका मतलब है कि एक बिंदु जिस बिंदु का कोऑर्डिनेट और 10 और माइनस नाइन है, तो ये दूरी दूसरे तरफ भी रहे तो ये 10 मात्रक के बराबर हो सकता है। इसको ऐसे समझिए कि ये 10 और 3 है, इसका मतलब है कि ये बिंदु हर हाल में फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी भी बिंदु का कोऑर्डिनेट दोनों प्लस और प्लस में रहता है, और वहां से फर्स्ट क्वाड्रेंट से मतलब इसकी दूरी हर हाल में हो सकता है ये 10 मात्रक। लेकिन अब ये दूसरा बिंदु जिसका कोऑर्डिनेट हम क्या देख रहे हैं कि 10 और माइनस नाइन है, और आप याद करें कि एक मान प्लस में और दूसरा मान ये माइनस में, और किस क्वाड्रेंट में होता है ये याद करिए, पहला प्लस प्लस, दूसरा माइनस प्लस, तीसरा माइनस माइनस, और ये चतुर्थ क्वाड्रेंट में। अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है और वहां से अगर ये दूरी अगर रहे तो ये भी आपका 10 मात्रक के बराबर, इसलिए यहाँ पर दो मान हो सकता है, इसलिए y का आंसर हमारा क्या हुआ, एक 3 और दूसरा y का मान माइनस नाइन। तो इस ढंग से अगर क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग उसको इसी ढंग से बना पाएंगे, घबराना नहीं है, समीकरण तो थोड़ा सा बड़ा सा हो रहा है, फिर रूट देख के घबराना नहीं, बस इसको दोनों तरफ स्क्वायर करके रूट से हम लोग फ्री हो जाएंगे और फिर द्विघात समीकरण को इस ढंग से सॉल्व करेंगे, तो हम देखेंगे कि जो भी मिसिंग हमारा कोऑर्डिनेट होगा, चाहे वो एक्स कोऑर्डिनेट हो या वाई कोऑर्डिनेट हो, तो इस ढंग से हम इसको निकाल पाएंगे। अब हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8 था, अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि यदि Q 0, 1 बिंदुओं P और R से समदूरस्थ हैं तो X का मान ज्ञात कीजिए। लगभग पिछले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पर ही आधारित है। क्या कह रहे हैं कि यदि Q, यानी कि तीन बिंदु वो क्वेश्चन में कह रहा है, एक है P, पहले हम लोग, और ये दूसरा बिंदु हमारा ये Q, पहले इन बिंदुओं का कोऑर्डिनेट हम लोग क्लियर कर लेते हैं, और वो है 5 और माइनस थ्री, 5 और माइनस थ्री, और Q बिंदु का कोऑर्डिनेट है X और 6, X और 6। अब वो क्या कर रहा है, एक पहला बिंदु जिसकी बात कर रहा है वो कह रहा है कि Q है, सॉरी Q, यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, इसको फिर से हम लोग देखते हैं। यदि Q 0, 1 बिंदुओं P, यानी कि एक बिंदु जिसका कोऑर्डिनेट 5 और माइनस तीन है, और R है, सॉरी यहाँ पे R दीजिए, और R बिंदु का कोऑर्डिनेट वो दे रहा है कि X और 6 है R बिंदु का, और ये समदूरस्थ हैं, कहने का मतलब एक अलग बिंदु है और वो बिंदु इसका कोऑर्डिनेट है वो सॉरी बिंदु है वो Q है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये बिंदुओं से इनकी दूरी
मतलब बराबर दूरी पर है। कहने का अर्थ है कि पी और क्यू के बीच की अगर हम निकालें ये दूरी जो भी निकले, और फिर ये दूरी जो भी निकले, ये दोनों आपस में बराबर है, क्वेश्चन कह रहा है। और इस स्थिति में कह रहा है कि आप x का मान ज्ञात करें, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पी क्यू निकालेंगे वही दूरी सूत्र से, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन, और फिर आराम से हम लोग क्यू आर का मान निकालेंगे क्यू आर का, और फिर क्या करेंगे, जो भी दूरी हमारा निकले आप देखेंगे कि अच्छा क्यू बिंदु का कोऑर्डिनेट वो दिया हुआ है हम लोगों को, और वो है जीरो वन, क्यू बिंदु का कोऑर्डिनेट जीरो और वन। और हम लोगों से पूछा जा रहा है कि आप इस बिंदु यानी आर बिंदु का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसका मान ज्ञात करें, तो हम लोग क्या करेंगे, ये पी क्यू बराबर लेकर चलेंगे, या क्यू आर पी क्यू या आर क्यू कहिए, ये आर क्यू क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई झमेला है नहीं, पी बिंदु का कोऑर्डिनेट भी दोनों दिया हुआ है और क्यू बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है दूरी सूत्र की सहायता से, और हम देखेंगे यहाँ ना कहीं कोई मान निकलेगा एग्जैक्टली, और फिर ये देखेंगे कि यहाँ पे जो मान आएगा वो स्क्वायर के टर्म में द्विघात समीकरण के रूप में आएगा, और फिर क्या करेंगे, क्योंकि ये मान हमारा मात्रक के रूप में आ गया चाहे जो भी मान, और फिर ये रूट के अंदर, तो फिर दोनों तरफ स्क्वायर करके आप निकालेंगे तो फिर वो रूट खत्म हो जाएगा और फिर द्विघात समीकरण के रूप में आएगा, जिस तरह से पहले क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन हम लोग बनाए और उसी ढंग से ये भी बन जाएगा। और हमको लग रहा है कि इतना समझने के बाद ये बन जाएगा आसानी से। और हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं, तो वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। कह रहे कि एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई 3-6 और -3-4 से समदूरस्थ हो। अच्छा, फिर पिछले क्वेश्चन के ही तरह ये भी है, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध मांग रहा है कि वो बिंदु, तीन बिंदु है यहाँ पे ए बी और सी, बी और सी बिंदु का कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है, तो हम उसको फिगर में दिखा देते हैं। ये हमारा बी बिंदु जिसका कोऑर्डिनेट 3-6 है, और ये सी बिंदु जिसका कोऑर्डिनेट -3-4 है, और वो कह रहा है कि एक बिंदु वो हमारा यहाँ पर ए है, और वो कह रहा है तीन बिंदुओं से समान दूरी पर है, समदूरस्थ का मतलब हो गया समान दूरी पर है ये दूरी। अच्छा, यहाँ पे इसको मिलाने की कोई ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग बिंदु, इनके बीच की दूरी से कोई मतलब हमको नहीं है, और मतलब है ए और बी के बीच की दूरी और ए और सी के बीच की दूरी। अब यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी समान दूरी पर है, यानी कि ए बी बराबर ए सी, ये हर हाल में होगा क्योंकि समान दूरी यानी कि समान समदूरस्थ है, एक दूरी समान है, तो हम लोग ए बी का मान, अच्छा यहाँ पे और ए बिंदु का ये कोऑर्डिनेट हमको नहीं दिया हुआ है, ये मान लिया कि एक्स कोऑर्डिनेट का मान एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का मान वाई, तो हम लोग क्या करेंगे, दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे, और वो सूत्र हमारा एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर और प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी वही फार्मूला एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर और प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं क्या ए बी, देखिए ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि ए बिंदु को आप मतलब एक्स वन या वाई वन माने या फिर ए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है,
एक्स टू माइनस एक्स वन। अच्छा ए है पहले, तो इसी को हम लोग मानते हैं। तो एक्स टू की जगह पे तब क्या हो जाएगा, इसको एक्स वन वाई वन और इसको एक्स टू वाई टू हम मान रहे हैं, तो हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन, तो थ्री माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस फिर वाई टू, वाई टू सिक्स माइनस वाई वन, ये होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर हमारा ये कौन सी दूरी है, ए और सी, और फिर यहाँ पे हम लोग इसको एक्स वन वाई वन मान रहे हैं और इसको एक्स टू वाई टू मान रहे हैं, तो एक्स टू माइनस थ्री, फिर फार्मूला का माइनस और फिर ये एक्स, ये होल स्क्वायर और फिर प्लस वाई टू फोर माइनस वाई वन, ये वाई, ये हमारा होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो फिर सॉल्व वही ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये थ्री का स्क्वायर माइनस टू, ए की जगह पे आपका थ्री और बी की जगह पे आपका एक्स, टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर और बी की जगह पे आपका ये एक्स स्क्वायर और फिर प्लस सिक्स माइनस वाई स्क्वायर। फिर अगर इसको हम हल करें तो हो जाएगा ए स्क्वायर, ये सिक्स स्क्वायर माइनस माइनस टू इंटू ए सिक्स और फिर बी की जगह पे आपका वाई और फिर प्लस ये वाई स्क्वायर और इस तरह। और फिर उसको हम लोग, अब देखिए यहाँ पे ये माइनस थ्री माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ गया है। यहाँ पे इस तरह का अगर प्रॉब्लम आया तो सॉल्व करने में घबराना नहीं है। यहाँ पर भी क्या, अब तक तो ये फार्मूला हम लोग नहीं देखे, ये फार्मूला देखे थे कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, लेकिन अगर ए के यहाँ पे अगर माइनस है तो हमको क्या करना है कि जहाँ फार्मूला में ए है और उस ए के बदले में हमको माइनस थ्री लेकर चलना है। अब देखिए कैसे, अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए के जगह पे माइनस थ्री है, अब यहाँ पे इसको फार्मूला पे तोड़ते हैं, तो ए स्क्वायर और फिर माइनस टू और ए की जगह पे फिर हम जैसा कि बोले कि आप माइनस थ्री रखिए और फिर बी की जगह पे आप फोर माइनस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ तक तो हो गया था प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर और फिर प्लस फोर का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, फिर माइनस टू ए की जगह पे फोर और फिर बी की जगह पे आपका वाई और फिर प्लस वाई, और काफ़ी लॉन्ग टर्म हमारा जा रहा है ये। अब फिर आगे इसको हम सॉल्व करते हैं, तो थ्री का स्क्वायर ये नाइन माइनस फिर तीन दूनी छः और यहाँ पे माइनस सिक्स एक्स और फिर प्लस ये एक्स स्क्वायर और यहाँ पे सिक्स का स्क्वायर कितना हो गया ये थर्टी सिक्स और फिर माइनस ये आपका छः दूनी बारह माइनस बारह वाई और फिर प्लस ये वाई स्क्वायर, और इसी तरह से इस पार्ट को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हो गया, अच्छा एक चीज़ छोड़ दिए थे हम लोग, यहाँ पे ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ रहे थे ना, तो ए स्क्वायर तो माइनस थ्री का स्क्वायर होना चाहिए ना, माइनस थ्री का स्क्वायर और फिर टू ए बी है ना और प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस तीन का अगर हम स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा, ये नाइन और फिर ये तीन दूनी छः छः एक्स, लेकिन यहाँ पर माइनस है इसलिए बाहर निकलेगा, ये टर्म प्लस में हो जाएगा, ये सिक्स एक्स और फिर प्लस ये एक्स स्क्वायर और चार का स्क्वायर है यानी सोलह
और फिर माइनस चार दूनी आठ, आठ वाई, और फिर प्लस ये हमारा वाई स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं इक्वेशन के दोनों तरफ ये इस तरह का हमारा इक्वेशन निकल कर आ रहा है, और अब हम लोग थोड़ा सा इसको और एक स्टेप सॉल्व करते हैं। जहां जहां संख्या, जैसे ये नाइन है, अब देखेंगे यहां पर भी है, ये दोनों सेम है यानी कि नंबर है, इसलिए आपस में इसको जोड़ देते हैं, यानी कि नौ पंद्रह यानी कि पैंतालीस हो जाएगा ये संख्या, और फिर माइनस सिक्स एक्स ये हो गया, और फिर प्लस ये एक्स स्क्वायर, और माइनस ये ट्वेल्व वाई, और फिर प्लस ये हमारा वाई स्क्वायर, ये इतना आया, ठीक है। और फिर उसी तरह से यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, और फिर यहाँ पे देखें कि ये संख्या और ये संख्या, और 16 और 9 को जोड़ें तो कितना हो गया 25, और प्लस ये 6x, और प्लस ये एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस 8y, और ये प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए, अब हमको चूंकि मान चाहिए, रिलेशन चाहिए x और y के बीच में, और हम देख रहे हैं कि इक्वेशन के दोनों तरफ हमारा रूट है, तो इस रूट को हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों तरफ अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि बचा क्या हमारा, ये 45 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12y प्लस वाई स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा इस तरफ के टर्म के, और वो 25 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8y और प्लस ये वाई स्क्वायर की। अब देखें बहुत सारे टर्म्स यहाँ पे कैंसिल हमारा हो जाएगा, ये बराबर के इधर हम देख रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर है और इसका भी चिन्ह प्लस में है, और इधर राइट साइड में एक्स स्क्वायर है, चिन्ह दोनों का सेम, और ये सेम टर्म, इसको हम कैंसिल करते हैं। उसी तरह से आप देखें वाई स्क्वायर, और ये भी प्लस में इक्वल टू के इधर, और ये भी दोनों सेम, और इसलिए ये कैंसिल हो गया, और बचा हमारा क्या 45 माइनस 6x माइनस 12y इक्वल टू 25 और प्लस 6x माइनस 8y। अब हम लोग टर्म्स को इधर लेके आ जाते हैं, 45 माइनस 6x माइनस 12y, और इसको इधर लेके आए तो क्या माइनस 25, और इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे माइनस, और फिर ये भी प्लस में, क्योंकि इसका माइनस है ये 8y, और क्योंकि राइट साइड में जितना भी टर्म था उसको लेफ्ट साइड में लेके गए, और इधर बचा क्या अब हमारा जीरो। अब इसको ये 45 का 45, अब यहां पे जो टर्म्स हमारा सेम है, जैसे ये माइनस 6x और ये माइनस 6x सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस, अब क्या हो जाएगा ये हमारा, ये माइनस 12x, ये टर्म हो गया। उसी तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे माइनस 12y और प्लस 8y, ये टर्म हमारा माइनस में और ये हमारा प्लस में, और माइनस प्लस माइनस घटाइए 12 में 8 घटाएंगे कितना बचेगा 4, और इसलिए ये माइनस 4y, ये y का डबल टर्म आपस में सॉल्व हो गया, और यहाँ पे नंबर जो है हमारा कितना 45, और यहाँ पे आप देखें कि एक यहाँ पे ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस,
और यहीं पे लिख देते हैं हम लोग, क्योंकि फर्स्ट टर्म में यहाँ पे नंबर ही था हमारा, तो ये 0 और ये 20, यानी कि 45 में 25 को घटाएंगे आपका 20, ये टर्म इसके साथ सॉल्व हो गया, ये इसके साथ, और बराबर ये हमारा 0 के। अब हम इसको, क्योंकि रिलेशन वो हम लोगों से पूछ रहा है, और माइनस 12x माइनस 4y और ये इधर प्लस 20 और इक्वल टू 0। और चूँकि इक्वेशन आमतौर पर सरलतम रूप में रहना चाहिए, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो देखते हैं कि संख्या कुछ ना कुछ हमारा कॉमन के रूप में आ रहा है, और वो संख्या हमारा 4 है। 4 को अगर हम कॉमन ले लें तो इक्वेशन बचेगा क्या हमारा, 4 × 12 यानी कि ये 3x और ये माइनस वाई और फिर ये प्लस 4 × 5 = 20, ये 5 और इक्वल टू ये 0। मिट जा रहा है, कॉमन 4 था हमारा यहाँ पे। अब हम इसको लिख सकते हैं कि माइनस 3x और माइनस वाई और प्लस 5 इक्वल टू 0, क्योंकि ये टोटल टर्म के साथ इनटू की शक्ल में है, इसलिए अगर इसको हटाएंगे तो 0/4 मीन्स 0 ही होगा। अब यहाँ पे एक आंसर हमारा रिलेशन के रूप में ये आ सकता है, या अगर हम टर्म्स को एक्स टर्म को अगर हम प्लस में करना चाहें तो फिर माइनस कॉमन लेकर के, तो हम क्या देखेंगे कि माइनस इधर भी लेते हैं और इधर भी ले सकते हैं। कि इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि ये माइनस का टर्म आ गया, और आमतौर पर होता क्या है कि फर्स्ट टर्म हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, तो उसे घबराना नहीं, ये भी हमारा हो जाएगा। कैसे वो देखते हैं कि यहाँ पे इक्वेशन के आवश्यकता पड़ने पर आप दोनों तरफ कोई भी टर्म कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पे चिन्ह हम माइनस का ले रहे हैं, ये माइनस कॉमन लिए तो पहले से इसका माइनस 3x और फिर ये माइनस वाई और फिर सॉरी और ये फिर प्लस 5, और जब इधर आप माइनस कॉमन लिए तो फिर इधर आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। अब जब ब्रैकेट, अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हम माइनस कॉमन लिए क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, इसलिए इसको हल करेंगे, ब्रैकेट हटाना पड़ेगा, तो ये माइनस का जो चिन्ह है वो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, फिर माइनस माइनस ये प्लस, फिर माइनस माइनस ये प्लस, और फिर माइनस और प्लस माइनस, और फिर क्योंकि 0 में प्लस रहे या माइनस रहे तो वो 0 ही होगा, तो इस तरह से 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, यही हमारा रिलेशन निकल कर आया, यही हमारा आंसर है।